सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है और ये क्या कर रही है, क्या सुबह सुबह? हाँ, तो आज है हमारा फाइनल पैकिंग डे और फेस क्लीन अप डे, मैनिक्योर पेडिक्योर डे, सारे डे आज है हमारे। और हम अभी आए हुए हैं अचरोल, यहाँ पर मैं अपना बियर्ड सेट करवाऊंगा, थोड़े से बाल सेट करवाऊंगा और प्रज्ञा को भी कुछ क्लीनअप वगैरह करवाना है। हमको कुछ ऐसा सामान भी लेना है। हमने एक दुकान देखी थी जहाँ पर गिम्बल भी मिल रहा था, तो वहाँ पे जाके वो भी चेक करेंगे कि क्या पता वो हम मिल जाए तो हम वो ले लें। तो अभी तो दुकान खुली नहीं, हम बहुत जल्दी आ चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं कचौड़ी का। तो अभी हमने इससे पहले खाई थी दाल वाली कचौड़ी ना, हाँ, और अब हम खा रहे हैं प्याज कचौड़ी। ये है प्याज कचौड़ी, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे मिलती है कड़ी कचौड़ी, वो भी एक अलग टेस्ट होता है, उसका भी एक अलग मजा होता है। हाँ, एक मीठी कचौड़ी भी मिलती है। तो मेरा मन तो खैर नहीं है मीठी कचौड़ी खाने का, बट ये दोनों कचौड़ी मैंने ट्राई करी और मैंने इसमें डलवाया है, ये मैंने डलवाया है इसमें हरी चटनी और लाल चटनी। प्रज्ञा ने भी सेम करवाया है। तो अभी मैंने तो अपना बियर्ड सेट करवा लिया और बाल वाल सेट करवा लिए, बट प्रज्ञा का हो नहीं पाया बेचारी। दुकान बंद थी, तो कोई पंगा नहीं है, अभी करवा लेंगे दूसरी दुकान से प्रज्ञा के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारी ट्रिप। हम उसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने खुद डिस्कस नहीं किया है अभी तक कि क्या करना है। हमने सिर्फ एक डेस्टिनेशन चूज करी है और वो डेस्टिनेशन भी ये नहीं कि हाँ वो फाइनल डेस्टिनेशन होगी या फिर उसके सिवाय हम कहीं और नहीं जाने वाले। हमारा ऐसा कोई प्लान लगा रहा अभी तक, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। जैसे जैसे क्या कहते हैं रोड लेती जाएगी वैसे वैसे हम जाते जाएंगे, सिंपल सी बात बस ये है। कोई होटल बुक नहीं है, हाँ कोई होटल बुक नहीं है, कोई भी चीज बुकिंग प्लानिंग कुछ भी नहीं है। बस हमारा मन था कि थोड़ा घूमने जाना है, थोड़ा फन करते हैं, बहुत टाइम हो गया है ना। प्रज्ञा की तो शायद पहली ट्रिप होगी ये फार्म डी में आने के बाद, तो मतलब हुई है बहुत सारी पहले पापा मम्मी के साथ, बट ठीक है, बट ऐसे कोई ट्रिप नहीं हुई है तो कोई नहीं। बट ओवरऑल मजा आने वाला है बहुत, सबसे ज्यादा बात ये है। और सारी चीजें हम आपको बताएंगे डिटेल्स में। हाँ, तो और वैसे भी पढ़ाई के बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, तो ये ट्रिप तो मतलब एक रिहैब की तरह हमारे लिए, नीडेड ट्रिप है ये। हाँ, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और सामान वगैरह भी हम लोगों ने ऐसा कुछ खास वो कुछ किया नहीं है, बस हमें ये चीज हम भी वो करते हैं क्या, भारत यात्रा। हाँ, भारत यात्रा। एक मैं अपना बोर्ड मतलब डीआरएफ व्लॉग्स का और शुरू करते हैं। होप सो सब बढ़िया हो और आपको सब कुछ शेयर करेंगे हम। कल से हमारी ट्रिप शुरू होने वाली है और ये ट्रिप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना लंबा चलेगी वो हमें नहीं पता। हम बस डिपेंड ऑन दिस, जैसे ये डाउन 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 वैसे हम वापस okay, bye, ट्रिप खत्म। कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा, तो अभी जा रहे हैं वापस। हे गूगल स्टॉप। सो अभी मैं आ चुका था रूम पर और प्रज्ञा गई थी अपना जो भी था उसको करवाना था वो, क्योंकि वहां पर नहीं हो पाया था चरोल में, तो अभी हमने हमारे आसपास में ही जगह है वहां पर करवा दिया। और मैं आया था रेडी होने के लिए क्योंकि बाल बहुत चिपक रहे थे। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज कि मैं चला जाऊंगा, हम चले जाएंगे प्रज्ञा और मैं, तो हमारे ग्रुप का जो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कुछ पेशेंट जो है वो बीच में शायद आ जाए, तो उसके लिए भी हमें अपने एक प्रोजेक्ट मेट से मिलने जाना है अभी। उसको ये सारी चीजें जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह थी वो हैंड ओवर करनी है, तो फटाफट से चलते हैं अभी और प्रज्ञा को पिक करते हैं और प्रोजेक्ट मेट से मिलते हैं, सामान ये उसको हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा फ्रीली जा पाएंगे। तो प्रज्ञा भी आ चुकी है। एक तो उसने अच्छे से करके दिया था, बोला कि कान के पीछे मत करो, और मैंने कान के पीछे कर दिया। सो अभी मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ जाने की, वो जगह कौन सी है वो सब लोग जानने की बहुत कोशिश कर रहे होंगे, बट बता दूंगा मैं बहुत जल्द जब मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बस हमारे पास टिकट है दिल्ली से पठानकोट तक की, इतना मैं रिवील कर सकता हूँ अभी। उसके बाद का कुछ भी अता पता नहीं है, वो सब प्लानिंग करेंगे हम सब लोग मिलकर। और हाँ, हम सब लोग से मेरा कहने का मतलब है कि मैं और प्रज्ञा यहाँ से जाएंगे दिल्ली से, और भी प्रज्ञा के दोस्त जुड़ेंगे, तो कम से कम 5 to 6 पीपल होंगे। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैकिंग।
सबसे कम सामान मैं कैरी करना चाह रहा हूँ, ये पूरा सामान जो है ये मैं कैरी करूंगा और इस बैग में डालूंगा, दैट्स इट। मेरा प्लान कुछ अलग है, अगर वो उन लोगों को समझ में आया तो ये प्लान बेस्ट प्लान होगा। मतलब हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, जहां मन करेगा वहां रुकेंगे, टेंट वगैरह खरीद लेंगे छोटा सा, मतलब मेरा जो प्लान है वो उस टाइप का है। बट बाकी लोगों को वो समझ में आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा एडवेंचरस है, बट देखते हैं क्या करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक बैग ही कैरी करूंगा, बस इसको लिया चल पड़े, जहां रुकना है वहां रुको, इसमें सब चीजें आ जाएंगी। सो ये बैग मैंने रेडी कर लिया है, जो ज्यादा भारी नहीं है, और ये कपड़े मैं पहन के जाऊंगा, ये थर्मल्स, ये पैंट, ये जैकेट, और एक इसके नीचे मैं क्या पहनूं उसी के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट वो भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट ये बैग सच में बहुत ज्यादा हैंडी है और मैं चाहूंगा कि इतना ही हो। आई थिंक ये 5 kg से भी कम लग रहा है मेरे को, तो मेरे को इतना ही बैग चाहिए था, और ये मैंने भर रखा है क्योंकि व्लॉग ऑल टाइम करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए हो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, शेयर किए बिना मत जाना, लाइक तो प्लीज कर देना, और प्लीज कमेंट्स जरूर लिखना अपने। तो आई विल बी शेयर एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विद यू गाइज, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कनेक्ट रहना होगा मेरे साथ। सो बाय गाइज।